सो हे गाइस, अब फाइनली गेम के अंदर हमें अपडेट तो देखने को मिल गया है और अब आने वाले है सबसे बड़ा और जबरदस्त इवेंट जो कि करना वालों ने खुद से तैयार किया है, यानी कि पैराडॉक्स इवेंट प्लस अपना ड्रैगन इवेंट, मतलब जो ड्रैगन की थीम पे आपको फ्री का रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। और पैराडॉक्स इवेंट तो करना ने खुद से तैयार किया है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत बड़ा इवेंट होगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पैराडॉक्स इवेंट स्पेशल, आपको जितने सारे फ्री का रिवॉर्ड्स देखने को मिलने वाले हैं उसके ऊपर, एंड साथ में ड्रैगन इवेंट के ऊपर, पैराडॉक्स इवेंट की थीम पे और क्या कुछ आइटम्स को अपने गेम के अंदर लाया जाएंगे उसके ऊपर भी, मतलब फ्री का रिवॉर्ड्स, अपकमिंग अपडेट सब कुछ आपको मिलेंगे इस वीडियो में पैराडॉक्स इवेंट के थीम पे और ड्रैगन इवेंट के थीम पर भी। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ और भी जबरदस्त अपडेट के बारे में, जिनमें सबसे पहली बात की जो मेंबरशिप आपका लगा हुआ था, चाहे मंथली लगा हो, चाहे वीकली लगा हो, चाहे किसी का दोनों साथ लगा हुआ हो, उसका डायमंड कैसे आपको मिलेंगे, कैसे आपको डायमंड क्लेम करना पड़ेगा। देन इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ चीज ऐसा है जो कि आफ्टर अपडेट अपने गेम के अंदर आने वाले थे उसको दिया नहीं गया है, सो उसको कब दे दिए जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपकमिंग एक न्यू रिंग इवेंट के बारे में। देन आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ और भी अपकमिंग न्यू अपडेट्स के बारे में, न्यू इवेंट्स के बारे में। तो बस सब लोग वीडियो को देखते रहो, काफी सारे इंपोर्टेंट अपडेट आज आपके लिए लेकर आए हैं, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में जिसको करण वालों ने अपने गेम के अंदर ऑलरेडी दे दिया है लेकिन उसको लेकर डाउट बहुत सारे हैं। देखो सबसे पहली बात, आपको पता है कि अपने गेम के अंदर हमें मेंबरशिप के अंदर अपडेट देखने को मिला है, बट यहाँ पर बहुत से डाउट ये चल रहा है कि यार जो मेंबरशिप हम पहले से लगा रखे थे, किसी का वीकली चल रहा था, किसी का मंथली चल रहा था, बट अभी वो डायमंड को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज मेंबरशिप का इंटरफेस चेंज कर दिया गया है, तो उनको जो डायमंड है वो नहीं मिल रहा है। मेंबरशिप का प्राइस तो सेम रखा गया है बट डायमंड क्लेम करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, और ना ही किसी के अपने मैसेज बॉक्स के अंदर यानी कि मेल बॉक्स में इन गेम के अंदर डायमंड को दिया गया है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर डर रहे हैं इस बात को लेकर कि भाई फिर हम जो मेंबरशिप को लगा रखे थे उसका क्या होगा, एंड बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि हम वीकली मंथली दोनों को साथ लगा रखे थे तो उसका क्या होगा, क्योंकि उसके थीम पे हमें जो है 15 डायमंड बिल्कुल फ्री देखने को मिलते हैं वीकली मंथली को एक साथ में लगाने पर, तो वो जो 15 डायमंड है वो हमें कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। अब भाई देखो, इन सारे सवालों का जवाब यही है कि आपने जितने सारे भाई लोगों ने आप में से मेंबरशिप को लगा रखे थे, एक्टिव कर रखे थे, चाहे वो वीकली कर रहे थे, चाहे वो मंथली कर रहे थे, या फिर अगर आप लोगों ने दोनों को साथ कर रखे थे, तो आप लोगों को जितना डायमंड मिलना होगा उतने सारे डायमंड आपको अपने मैसेज बॉक्स के अंदर दे दिया जाएगा। अब तुम लोग कह सकते हो कि अभी तक आया क्यों नहीं है। देखो फ्री फायर गेम में बहुत सारे लोग गेम प्ले करते हैं, सभी का आईडी देखना पड़ता है कार्नावल को कि भाई कितना सारे बंदे ने मेंबरशिप ले रखा है, तो बहुत से बंदे ने मेंबरशिप जो ले रखा है, अब सबके आईडी में एक दिन में तो करना मुश्किल है, इसलिए करना वाले धीरे धीरे सबके आईडी में कर देंगे। आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगने वाले डायमंड क्लेम होने के लिए, आप देख लीजिए कि क्योंकि भाई देखो 2 से 3 दिन के अंदर आपको अपने मैसेज बॉक्स के अंदर यानी कि मेल बॉक्स के अंदर डायमंड जितना आपका होना था मेंबरशिप का उतना डायमंड आपको क्लेम करने के लिए दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 7 दिन के लिए मेंबरशिप लगा हुआ है तो जितना डायमंड आपको मिलने वाला था उतना डायमंड करना वाले गिनकर आपको अपने मैसेज बॉक्स के अंदर दे देंगे। जिनका वीकली मंथली दोनों साथ लगा हुआ है उनके मतलब केस पर भी कुछ ऐसे होने वाले हैं, जो 15 डायमंड आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं उस डायमंड को भी जोड़ दिया जाएगा एंड जोड़ के आपको दे दिया जाएगा अपने मैसेज बॉक्स के अंदर। सो कोई भी इस बात को टेकर टेंशन बिल्कुल मत करो, डायमंड जितना आपका मिलना है उतना आपको मिल जाएगा, बस 2 से 3 दिन टाइम लगने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा चीज है, मतलब बहुत बड़ा चीज है, करने वाले को सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए 2 से 3 दिन टाइम लग रहा है और कुछ नहीं, तो टेंशन बिल्कुल मत करो मेंबरशिप को लेकर। इसके साथ में आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में, बात करते हैं और एक दो न्यू इवेंट्स के बारे में या फिर और एक दो न्यू चेंजेस के बारे में। आपको पता है कि आफ्टर OB44 अपडेट अपने गेम के अंदर रोल का एक न्यू सिस्टम आने वाला था अपने प्रोफाइल के अंदर, बट आफ्टर अपडेट हमको ये देखने को नहीं मिला है। जब मैंने सुबह चेक किया तो भाई मुझे अपने प्रोफाइल पर कहां पर भी रोल का ऑप्शन देखने को नहीं मिला था। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा बिकॉज किसी के पास ये रोल का ऑप्शन आया नहीं है, तो ये भी एक सवाल चल रहा है सभी के मन में कि यार जो सिस्टम करने वाले गेम के अंदर आने वाले थे उसको दिया क्यों नहीं गया है। रोल वाला सिस्टम जो है उसको गेम के अंदर असल में कुछ टाइम बाद दिया जाएगा, मतलब ऐसा चीज देखा गया है हमें अक्सर कि जब भी गेम के अंदर हमें अपडेट देखने को मिलता है और ऐसा बताया जाता है कि अपडेट के बाद ये होगा वो होगा, तो सब कुछ एक साथ में होता नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है हमें, उसके बाद वो चीज हमें देखने को मिलते हैं। ये जो रोल वाला सिस्टम अभी आपको अपने गेम के अंदर देखने को नहीं मिला है, ये कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा, शायद से 1 हफ्ता लग सकते हैं मैक्सिमम, उसके अंदर इस रोल वाले सिस्टम को अपने गेम के अंदर दे दिया जाएगा। ठीक इस तरीके से अगर हम बात करें ईवो एक्सेस की बात, तो भाई उसको भी गेम के अंदर नहीं दिया गया है। आपको पता है कि ईवो एक्सेस भी आने वाला था, ई बैच के जरिए हमको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे, बट ना तो हमें ई बैच देखने को मिला है और ना ही हमें ईवो एक्सेस देखने को मिला है। और वैसे अगर ईवो एक्सेस आएगा तो ही ई बैच हमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज देखने को तो नहीं मिलेगा ई बैच। तो भाई देखो ईवो एक्सेस को भी दिया नहीं गया है, बट ये भी बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू ली आपको कुछ टाइम बाद अपने गेम के अंदर ईवो एक्सेस भी देखने को मिलेंगे और साथ में ई बैच भी। फिलहाल डेट वगैरह कंफर्म नहीं किया गया है किस कंफर्म डेट पे ई बैच आने वाले गेम के अंदर या फिर तुम कह लो ईवो एक्सेस, बट बहुत जल्दी करने वाले ईवो एक्सेस को, रोल वाले ऑप्शन को, ये सब सेटिंग्स को या फिर ये सारे चेंजेस को अपने गेम के अंदर हमें देने वाले, बस थोड़ा सबको वेट करना पड़ेगा। बस यहाँ आगे जाकर अगर इसके बारे में कुछ लीक्स वगैरह पता चलेगा, डेट वगैरह कंफर्म होगा, देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो भी बता।
दूंगा। फिलहाल इसके साथ में अब हम जरा आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं नेक्स्ट रिंग इवेंट के बारे में। फिलहाल आओ गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट अपडेट कवर करते हैं, जो कि बेसिकली होने वाले हैं एक न्यू रिंग इवेंट, या फिर तुम यू कह लो गोल्डन सेट का आने वाला एक न्यू रिंग इवेंट, जिसका सिंपली आप लोग रिव्यू यहां पर देख पा रहे हो। असल में बात यह है कि आपको गोल्डन सेट बंडल बहुत जल्द अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। कल मैंने आपको इसके बारे में अपडेट दिया था कि न्यू गोल्डन सेट बंडल आपको देखने को मिलेंगे एंड साथ में ओल्ड गोल्डन सेट बंडल को भी दे दिया जाएगा। वैसे यहां पर आपको मैं जो रिव्यू कर रहा हूं, ये असल में अपना न्यू गोल्डन सेट बंडल है, जो कि आप लोग को इस बार एक नया बिल्कुल फ्रेश स्टाइल में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल 100% कंफर्म है कि आप लोग को न्यू गोल्डन सेट बंडल के साथ में जो ओल्ड गोल्डन सेट बंडल है, मतलब जो बाकी 6 के 6 बंडल है, वो भी आपको अपने गेम के अंदर बैक देखने को मिलने वाले हैं। लीक्स के अनुसार यही बताया जा रहा था कि आप लोग को ये 17 अप्रैल को अपने गेम के अंदर बैक देखने को मिल जाएंगे, बट गेम के अंदर हमें अपडेट देखने को मिला है लेकिन बंडल को बैक नहीं कराया गया है। लेकिन इस बात के बाद फिर से दोबारा लीक्स ये मिला है कि देखो 17 तारीख को भले ही ना आ रहा हो, लेकिन इवेंट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, कमिंग सून ये लिखकर आ गया है। मतलब इवेंट के लीक के अनुसार ये बताया जा रहा है बहुत जल्द आपको ये गोल्डन सेट बंडल गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। सो भाई मैं आप में से सारे भाई लोग यही बोलूंगा, जिनके पास भी डायमंड है गोल्डन सेट बंडल बाई करना है, आप डायमंड को कहीं पर खर्च मत कीजिएगा, बहुत जल्द बंडल आपको बैक मिलेंगे 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। उसके पहले आपको अपने गेम के अंदर गोल्डन सेट बंडल देखने को मिलेंगे। सो जिनको भी बाई करना है, चाहे वो गोल्डन सेट का न्यू बंडल हो चाहे ओल्ड बंडल हो, दोनों में से आप लोग जिसको चाहे उसको बाई कर सकते हो, 2 से 3 दिन के अंदर इसको बैक दे दिया जाएगा। और हाँ, ये आने वाले रिंग इवेंट के अंदर तकरीबन आप लोग को 2000 से ऊपर डायमंड खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको गोल्डन सेट का बंडल देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो ओल्ड गोल्डन सेट बंडल में से कुछ भी आप लोग एक बंडल को बाई करोगे, बिल्कुल लास्ट वाला भी बाई कर सकते हो, तो उसके लिए आप लोग को 2000 डायमंड खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा कम डायमंड खर्च करके आप लोग उस बंडल को जो इजीली बाई कर सकते हो। सो ये हो गया अपडेट अपने नेक्स्ट रिंग इवेंट के बारे में, या फिर अगर हम यूं कहें गोल्डन सेट बंडल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट पैराडॉक्स इवेंट के थीम पे मिलने वाले कुछ फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में। तो बेसिकली गाइस को सीन ये है कि गेम के अंदर करने वाले सबसे पहले आपको देने वाले हैं ड्रैगन का एक न्यू इवेंट, जिस इवेंट का एक इंटरफेस आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, बस 1 से 2 दिन बाद आपको ऐसा एक इवेंट अपने गेम के अंदर नजर आ जाएगा और इस इवेंट के बाद आपको अपने गेम के अंदर पैराडॉक्स इवेंट देखने को मिलेंगे। तो भाई सबसे पहले ड्रैगन वाला इवेंट आएगा, जिस इवेंट के चलते आप लोगों को बिल्कुल फ्री में फीमेल बंडल देखने को मिलेंगे। इस इवेंट के चलते कुछ मिशन करने वाले आपको देने वाले हैं, जिन मिशन को कंप्लीट करने के बदले में आपको टोकन्स मिलेंगे, देन उन टोकन को देकर आपको रिवॉर्ड्स वगैरह एक्सचेंज करना पड़ेगा। ये ड्रैगन मतलब ड्रैगन इवेंट के थीम पर आपको पहले रिवॉर्ड्स वगैरह गेम के अंदर फ्री में दिए जाएंगे, पहले ड्रैगन इवेंट ही गेम के अंदर दे दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग को अपने गेम के अंदर पैराडॉक्स का इवेंट देखने को मिलने वाले। और जो पैराडॉक्स इवेंट इस बार गेम के अंदर आने वाले हैं, वो तो करना पड़ना खुद से मेक किया है, तो कहीं ना कहीं इवेंट भी बहुत बड़ा होने वाले एंड उस पैराडॉक्स इवेंट के थीम पे आप लोग को न्यू इवो बंडल, न्यू हाइपर बुक ये भी आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। कुछ और भी न्यू आइटम्स को करना पड़ना तैयार किया है, जो कि आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट भाई दिक्कत वाली बात ये कि भाई देखो पैराडॉक्स इवेंट थोड़ा सा बाद में आएगा, इसलिए अभी तक इसके जो फ्री का रिवॉर्ड है उसके बारे में क्लियर रिव्यू नहीं मिल रहा है। मतलब पहले गेम के अंदर ड्रैगन इवेंट को दिया जाएगा, इसलिए उसके थीम पे बताया जा रहा है कि आपको बिल्कुल फ्री में फीमेल बंडल वगैरह देखने को मिलेंगे, जिसका इवेंट वगैरह ऑलरेडी आपको मैं पहले दिखा दिया हूं। अब सर लीक्स तो यही निकल कर आ रहा है कि ड्रैगन इवेंट पहले दे दिया जाएगा, उसके थीम पे पहले आप लोग रिवॉर्ड्स वगैरह फ्री में क्लेम कर लीजिएगा, देन उसके बाद आपको अपने गेम के अंदर पैराडॉक्स इवेंट देखने को मिलेंगे और उसके बाद आप लोग पैराडॉक्स इवेंट के थीम पे काफी सारे रिवॉर्ड्स को बिल्कुल फ्री में क्लेम कर सकते हो। तो रिवॉर्ड्स के रूप में आप लोग को फ्री में बंडल देखने को मिल सकता है, गन स्किन देखने को मिल सकता है, इमोट तो जॉम्बी हंट मोड पर आप लोग को ऑलरेडी दे दिया गया है, तो इसके अलावा जो बाकी का रिवॉर्ड्स बचा हुआ है यानी कि बंडल गुल वाली स्किन वगैरह, ये सब आपको पैराडॉक्स इवेंट के थीम पे देखने को मिल सकता है और यहाँ तक कि स्पेशल गोल्ड वाल भी पैराडॉक्स इवेंट के थीम पे आ सकता है। यहाँ पर आपको बहुत से बेहतरीन आइटम्स स्पेशल गोल्ड वाल के अंदर देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप लोग गोल्ड कॉइंस स्पिन वगैरह मार के पैराडॉक्स इवेंट के थीम पे काफी सारे बढ़िया बढ़िया आइटम्स को जो स्पिन वगैरह मार के ले सकते हो। जहाँ पर कुछ ओल्ड आइटम भी आपको स्पेशल गोल्ड वाल के अंदर देखने को मिलेंगे, न्यू आइटम्स भी स्पेशल गोल्ड वाल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। सो ये हो गया अपडेट अपने पैराडॉक्स इवेंट के बारे में। खैर इसके साथ मेरा वीडियो आज कहीं देखता है, बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ हर दिन की तरह कल शाम को और एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।